नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डेढ़ साल से रेलवे कर्मी पति नहीं ले रहा था बीवी की सुध, पीड़िता ने लगाई एसपी महोबा से न्याय की गुहार। एक पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी घर से विदा होकर अपने ससुराल जाए और खुशी खुशी जीवन बिताए, लेकिन ऐसा हर बेटी की किस्मत में हो ये जरूरी नहीं। ऐसा ही ताज़ा मामला महोबा जिले के चरखारी ब्लॉक का है, जहां हमीरपुर जिले की निवासी संगीता साहू पुत्री सिद्ध गोपाल साहू की शादी नारायण दास पुत्र जगन्नाथ साहू मोहल्ला धनुषधारी चरखारी से 9 साल पहले हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ था। शादी में पूरे दहेज के साथ 3,51,000 रुपये देकर शादी की गई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद से 1,00,000 रुपये और मोटरसाइकिल की मांग ससुराली जनों द्वारा की जाने लगी। शादी के बाद 6 साल की एक बेटा और 7.5 साल की एक बेटी है। 1.5 साल पहले प्रार्थिनी की तबीयत अचानक खराब होने के चलते ससुराली जनों द्वारा बहला फुसला कर मायके भेज दिया गया। पीड़िता ने एसपी को सौंपे अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि एक लंबा समय बीत जाने के बाद आज तक न तो ससुराली जन पीड़िता को अपने बच्चों से मिलने दे रहे हैं और ना ही ससुराल आने दे रहे हैं। पति आए दिन गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी के साथ दूसरी शादी करने की भी धमकी दे रहा है। पीड़िता के परिवारजनों ने कई बार बातचीत करने की कोशिश की तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल एसपी सुधा सिंह ने दोनों पक्षों को आमने सामने बुलाकर बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नाम है आपका? आज आप पुलिस अधीक्षक के आई हैं, क्या मामला है? सर, मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। कितने दिन का? 19 महीने होगा है। 19 महीने से तो कोई कहा, मेरे बच्चे भी वहीं पे हैं और मार पीट के मुझसे जबरदस्ती अप्लीकेशन लिखा लिया गया कि सुसाइड हो, कि अगर तुम मरती हो तो इसमें तुम्हारा ही दोष है। मेरे कोई दोष नहीं, ससुराल वालों का कोई भी दोष नहीं है। न मुझे बैक सीट के लिए आधार कार्ड दे रहे हैं, न मेरे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, न कुछ कर, न मुझे बच्चों से बात करा रहे हैं। क्या किसी प्रकार की कोई साजिश है? जी पता नहीं है मुझे कि साजिश है कि क्या। हाँ, साजिश ये कि तुम्हें मार डाल लेंगे, दूसरी शादी करते हैं। नौकरी करते हैं? किस विभाग में नौकरी करते हैं? रेलवे ड्राइवर है। क्या नाम है उनका? नारायण दास। कहाँ से आई हैं आप? आप रीवन से आए हैं और ससुराल मेरा चरखारी है, धनुषधारी मोहल्ला। आपने इसकी प्रार्थना पत्र दिए कहीं? हाँ दिए हैं। किसी प्रकार का कोई मुकदमा कायम तो नहीं है? अभी मुकदमा नहीं कायम किया है। एसपी मैडम ने क्या आश्वासन दिया है? यही कि विपक्षी पार्टी को बुलाएंगे, बस जो होगा निपात में आप कोर्ट से निपो करना।